क्वेश्चन कह रहा है एन आयन विद मास नंबर 56, यानी एटम नहीं है आयन, उसका मास 56 है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा में, ठीक है, एंड कंटेन्स 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है, ये न्यूट्रॉन्स 30.4% ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 30.4% ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसका 30.4% ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो ये इक्वेशन में से नहीं समझा, 30.4% ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, अच्छा तो 30. इससे आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.304 इलेक्ट्रॉन, ये बात क्लियर, ठीक है, अब हमें ये बताइए कि इसका मास नंबर, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 56, हम एक काम करते हैं इसको नहीं 1.304 ये बात हो गया और इसको दो जीरो पर जो 0.304 हो गया 1e + 0.304, ठीक है, अच्छा अब इसको और इसको इसको और इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट कर ये और ये वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाए बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स आर e+3 और न्यूट्रॉन्स आर 1.304e, टोटल कितना हो गया 56, तो ये कितना आया 2.304e और 3 को दे दिया तो आया 53, ठीक है, तो e कितना है, e would come out to be 53/2.304, कितना है, तो आंसर आया अप्रॉक्सीमेट तो 23.000070 आया, 53/2.304 तो आपने बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन तो नहीं पता, इस तरीके से देना है, आया तो क्या, किसी का मास नंबर नहीं पता होता, मास नंबर के लिए तो कुछ नहीं।